उत्तराखंड परिवहन विभाग में ठेके से ड्राइवर और कंडक्टर की भर्ती हो रही है, जिसके खिलाफ उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, हल्द्वानी में कर्मचारी यूनियन की बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष कमल पपनी ने कहा कि राज्य सरकार 700 से अधिक ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर ठेकेदार के माध्यम से भर्ती कर रही है, जिसका 31 अगस्त को काली पट्टी बांधकर सांकेतिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही 2 सितंबर को भी पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जारी हुआ है, जिसमें एक एनसी प्रता द्वारा यहाँ पर लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और जो हम पुराने लोग यहाँ पे विशेष श्रेणी के 10-10, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं, तो उन्हें नियमितीकरण कर बिल्कुल आगे वो कोई भी प्रावधान नहीं है, और दोबारा से जो यहाँ पे ठेका प्रथा स्टार्ट हो रही है, तो उसी के विरोध में हम आज यहाँ पे हल्द्वानी में आए हुए हैं, और ये हमारा आंदोलन आगे को भी जारी रहेगा। चरिमंदरा एजेंसी के विरोध में आंदोलन किया रहा है, उसी के संबंध में कुमाऊं में भी जो है आंदोलन की आज रणनीति तैयार की गई है। कुमाऊं मंडल में लगभग हमारी 11 शाखाएं जो है, इनके शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री की संयुक्त रूप से बैठक कराई गई, जिसमें कुमाऊं मंडल में जो 31 तारीख और 1 तारीख 2 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, तीनों आंदोलन चरणबद्ध तरीके से सफल हो चुके हैं। परिवहन निगम में हमारी मांग है कि जो पूर्व में 3500 अस्थायी कर्मचारी कार्य थे, उन्हें नियमित किया जाए, जिसके माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में नियमितीकरण और समान वेतन समान कार्य के आदेश दिए गए थे। हमारे मैनेजमेंट से मांग है कि उस आदेशों का पालन किया जाए।